नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। बहुत सारा कंफ्यूजन होता है इन्वेस्टर के बीच कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप क्या होता है। इसको मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ कि मैंने StarSIP.in में लार्ज कैप कैटेगरी को सेलेक्ट किया है, तो फंड जो आ रहा है वो सारे लार्ज कैप है। मेरा एसेट लार्ज कैप फंड, इसने 1 लाख का 4,25,000 बनाया है पिछले 10 साल में। SBI ब्लू चिप ने 1 लाख का 3,83,000 बनाया है पिछले 10 साल में। तो ये लार्ज कैप का मतलब है कि मान लीजिए पूरे स्टॉक मार्केट में 10,000 कंपनी है, जो टॉप 100 कंपनी है उसको लार्ज कैप बोलेंगे। अब अगर हम मिड कैप कैटेगरी को टच करते हैं और मिड कैप का सिलेक्शन आ जाता है कोटक इमर्जिंग इक्विटी, इसने 1 लाख का 5,81,000 बनाया है पिछले 10 साल में। एक्सिस मिड कैप ने 1 लाख का 5,80,000 बनाया है पिछले 10 साल में। अब इसका क्या मतलब है कि वो जो 10,000 कंपनी स्टॉक मार्केट में है, 100 तो लार्ज कंपनी था, उसके बाद जो 150 कंपनी बचा उसको बोलते हैं मिड कैप। फंड मैनेजर उसी 150 कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे अगर हम मिड कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो। और यदि हम स्मॉल कैप कैटेगरी को टच करते हैं तो अब स्मॉल कैप का फंड आ जाएगा। स्मॉल कैप का मतलब 100 तो हो गया लार्ज कैप, फिर हो गया मिड कैप 150, उसके बाद जितना भी बचा यानी टोटल 250 के बाद जितना भी बचा वो हो गया स्मॉल कैप कंपनी। तो हमारे फंड मैनेजर अगर हम इन्वेस्ट करते हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो फंड मैनेजर 250 के बाद जितने भी कंपनी है देश में उसमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो एक उदाहरण के तौर पे लेते हैं, SBI स्मॉल कैप पिछले 10 साल में 1 लाख का 8,01,662 बनाया। इसका अगर परसेंटेज रिटर्न देखा जाए 23.14% का रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके दिया है। ठीक उसी तरह निपोन इंडिया स्मॉल कैप ने 1 लाख का 7,43,000 बनाया है। BSP स्मॉल कैप ने पिछले 10 साल में 1 लाख का 6,15,000 बनाया है, जबकि कोटक स्मॉल कैप ने 1 लाख का 5,58,000 बनाया है। तो आप मार्केट कैप के हिसाब से आप देख सकते हैं कि किस फंड ने कितना रिटर्न दिया है, कि लार्ज कैप का क्या मतलब है, मिड कैप का क्या मतलब है, स्मॉल कैप का क्या मतलब है। आपको यदि म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ ज्यादा जानना है और यदि आप ऑफिसर हैं तो मेरे नंबर 9929641265 पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। 4-5 ऑफिसर मिलके आप हमसे गूगल मीट पे जुड़ सकते हैं। आप अपने मंथली मीट वेलफेयर मीटिंग में आप हमसे फाइनेंशियल प्लानिंग का क्लास करा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।